कटिहार जिले में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। कदवा प्रखंड के लगभग 10 पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। बाढ़ से प्रभावित लोग अपने सामानों और पशुओं को लेकर सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं। ये तस्वीर कदवा प्रखंड के भरी पंचायत के निकट बदुआ बारी पुल की है, जहां बाढ़ का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा है, जिससे कई इलाकों का संपर्क सड़क और जिला मुख्यालय से टूट गया है। जिले में महानंद नदी कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी के तेज बहाव में एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल के साथ बह गया, जिसे स्थानीय युवाओं द्वारा किसी तरह बचाया गया। इतना सब कुछ होता रहा, पर स्थानीय प्रशासन के लोग ना तो इसकी सुध लेने पहुंचे और ना ही इस बात का जायजा लेने पहुंचे कि पानी के तेज बहाव में क्या क्या और कितने लोग प्रभावित हुए हैं। सर, हम लोग यहाँ जो पानी गया, बांध चलाया, लाओ नहीं हुआ है, हमको मिलता है नहीं, मुखिया भी नहीं आता है, यहाँ को समिति भी नहीं आता है हम लोग का देखने का, क्या खाएंगे, प्लास्टिक तलास्टिक का इज्जत हमको है ना, नहीं देता है, नहीं देखने का आता, घर द्वार सब चू रहा है, पानी में रहते हैं। सरकार का जो है बाढ़ पूर्व जो होता है घोषणाएं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, व्यवस्था कर रहा हूँ, पहले से तैयारी है, शून्य है, कहीं कुछ नहीं है। आप सुबह से देख ही रहे हैं, मैं भी उस पार में देख रहा हूँ, एक भी प्रशासनिक अधिकारी की गाड़ी देखें क्या? मैं नहीं देखा तो आप कहाँ से देखिएगा? मैं जब जनता होकर के नहीं देख सका तो आप क्या देखिएगा? कहीं कुछ नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि एक बुजुर्ग एक छोटी सी बच्ची को लेकर टप रहा था, बहुत कष्ट से, किसी तरह, बहुत संकट की घड़ी। घर में कोई बीमार है, मैंने उससे भी बात किया था उस पार में, वो बीमार है, नाव पे देखा जब जगह नहीं है तो जान पे खेल करके गई है अभी वो बेचारी बच्चे को लेकर के। तो यहाँ पे सरकारी नाव या NDRF का टीम? कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, न प्रतिनिधि की तरफ से कोई व्यवस्था। बहरहाल बिहार में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सरकार द्वारा नाव की व्यवस्था नहीं होने से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं और पानी के तेज बहाव में बह जा रहे हैं। बहरहाल बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर बाढ़ ने भी दस्तक दे दी है। देखना होगा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार बाढ़ से परेशान जनता के लिए क्या कुछ करते हैं। कटिहार से रितेश रंजन की रिपोर्ट।